प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। केंद्र सरकार के तीनों नए कृषि कानून वापस लेने के बाद किसान यूनियन के नेताओं ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत और अभिनंदन किया है। उन्होंने किसान हित में मांग की है कि 75 सालों की किसान विरोधी नीतियों के चलते किसान जो कर्जदार हैं उनका संपूर्ण कर्ज माफ करें और किसान आयोग की घोषणा कर दें। उनका बार बार स्वागत और अभिनंदन करता हूं और ऐसा ही होना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री जो किसानों के एक एक किसान की बात सुनकर किसी को दुखी न होना दे, लेकिन ये भारत के किसान में भारतीय किसान भानु का राज से जानता हूं कि किसान परेशान है किसान विरोधी नीतियों के कारण। 75 साल में किसानों को भाव नहीं मिले गन्ना का, गेहूं का, आलू का, धान का, इसलिए कर्जदार है। इसलिए कर्जा माफ करने की घोषणा करके किसान आयोग का गठन कर दो माननीय प्रधानमंत्री जी, और किसान आयोग को फसलों के दाम तय।